Sabaijan Ram Ramzi, I am Megha Sharma, and you are watching me at my channel CBSE Updates, where I update you about all the notifications of CBSE. So, today also, we are ready here to once again update you about the next notification of cbse today's update is coming from the site what is site central institute of educational technology which is the only body of ncert who is responsible for teachers training for conducting teachers training respectively in different months okay so february

ये फाइव आवर्स की होती है दैट मीन्स इफ़ यू मल्टीप्लाई थ्री इन फाइव दिस विल गिव यू फिफ्टीन आवर्स ऑफ सी पी डी टुगेदर तो आप लोगों की डिमांड पर ही आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ चलिए चलते हैं पहले प्रोसेस एक बार समझ लीजिए अभी तक जिसने ये मिश्रित अधिगम का ट्रेनिंग रजिस्टर नहीं किया था तो सबसे पहले तो वो जाकर उसको रजिस्टर कर ले लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन बोथ यू कैन रजिस्टर नाउ ऑल्सो एंड देन यू कम टू दिस वीडियो सी द आंसर्स एंड गिव द पोस्ट सेशन क्विज ऑल्सो ओके सो लेट एस स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ईमेल आपको सबसे पहले भरना होगा अपना ईमेल जो भी आपका ईमेल है वो मेंशन फुल नेम ऑफ योर स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट In which you are teaching. Okay. So I am teaching in the institution. I have mentioned the name also. Designation, which on which post are you working there? Name of the participant, that too in block letters. See.

Let us move to the next section. Okay, now we'll come to state and union territory. So, wherever you belong, you can fill the data accordingly. Title you can fill, then phone number, and then your category. Whatever your category you are teaching, school administrator, your teacher, educator, research scholar, whatever you may be, you can select according to your profession. ओके नाउ लेट इस मूव टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी गतिविधि ऑफलाइन कक्षा से बाहर की गतिविधि है अगेन लेट मू हेल्प यू हेल्प यू आउट आउट ऑफ दिस ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू कि मैम हम बार बार कैसे वीडियो देखें कैसे पोस्ट सेशन को इसको अटेंड करें देन इन दैट केस वॉट यू शुड डू यू शुड टेक अ स्क्रीन शॉट एज सोन एज आई शो द दिस क्वेश्चन एंड आंसर टू यू ऑन द स्क्रीन ओके आप स्क्रीन शॉट लेकर अपने गैलरी में सेव करके रखिए सो दैट जब आप पोस्ट सेशन को इज लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न पहला क्वेश्चन नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिप्ड अधिगम में छात्र पहले अच्छा अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज आई वॉज लिटल कन्फ्यूज दैट इज वाई आई हैार्क द फर्स्ट बट द आंसर विल बी दिस फ्लिप्ड अधिगम में छात्र पहले घर पर सीखते हैं उसके बाद कक्षा में सीखते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी में इसको उल्टा लगा दिया तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड वाला घर पर और कक्षा में अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एनईपी 2020 का क्या लक्ष्य है तो एन 2020 का लक्ष्य आपका आ जाता है समग्र मूल्यांकन निम्न में से क्या ओडीएल नहीं है ओडीएल नहीं है ओडीएल का मतलब क्या होता है ओडीएल भी मैं आपको बता देती हूँ दिस इज ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऐसे ही कुछ होता है ठीक है कुल मिला के ये डिस्टेंस लर्निंग है और कक्षा में सीखना जो है ये डिस्टेंस लर्निंग का हिस्सा नहीं आता है ओका मैं ऑनलाइन नहीं होगा शायद ओपन ही होगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा आई ऑल्सो फॉर्गोड ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी अराइव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या मिश्रित शिक्षण वातावरण में समकालिक ऑनलाइन शिक्षण का उदाहरण है तो योर आंसर कम्स विद शिक्षक के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना इज द करेक्ट आंसर नाउ लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे एमडब्लो सी का सबसे प्रारंभिक मॉडल माना जाता है वॉट इज एमडबलो एम डब्लोसी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें आपने स्वयं को देखा होगा एन पी टी एल को देखा होगा पर इसका जो सबसे प्रारंभिक मॉडल है वो है एम आई टी ओ सी डब्ल्यू ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षण अधिगम के अभिन्न अंग के रूप में मूल्यांकन की वकालत करता है तो कौन सा करता है भाई आंसर बन जाता है आपका रचनावादी शिक्षण सिद्धांत चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न कहता है मिश्रित शिक्षा डैश की ओर अधिक केंद्रित है किसकी जो है किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है तो भाई विद्यार्थी के ऊपर पूरी बेस है ना? है ना बेस्ड है चाइल्ड बेस्ड जिसको या हम चाइल्ड सेंट्रिक कहते हैं वही चीज आपकी ये हो जाती है मिश्रित शिक्षा चलते हैं आज के हमारे और आगे क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन कहता है ऑनलाइन ऑफलाइन अनुपात के संदर्भ में समग्र बी एल मॉडल के लिए सुझाई गई सीमा क्या है तो भाई बी एल मॉडल जो होता है वो अगेन ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल होता है तो ब्लेंडेड लर्निंग में फोर्टी परसेंट आपको ऑनलाइन होना चाहिए और सिक्सटी परसेंट आपको ऑफलाइन पढ़ाना चाहिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन उन्ला लिखा है इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए पहले फोर्टी आएगा बाद में सिक्सटी आएगा सिक्सटी फोर्टी बिल्कुल मत लगा दीजिएगा रॉन्ग हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही अगर ऑफलाइन ऑनलाइन लिखा हुआ होता देन आपका फोर्थ पॉइंट सही हो सकता था हॉट पोटैटो एक प्रौद्योगिकी उपकरण है जिसका उपयोग मिश्रित शिक्षण में किया जाता है तो क्या है भाई ये क्या है हॉट पोटैटो क्या है शिक्षार्थियों का मूल्यांकन इससे आप जो है क्विजेस बना सकते हैं क्लोज टेस्ट बना सकते हैं ठीक है लाइव वर्कशीट्स वगैरह ये सब चीज़ें इससे आप हॉट पोटैटो से कर सकते हैं इट बोर्डिंग उपयोगकर्ता को किस कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति देता है ऑडियो जोड़ने के अलावा एक्सेप्शन इज ऑडियो जोड़ना यू कैन नॉट केवरी थिंग इन दिस प्रोग्राम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बीएल मॉडल को अंतिम रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दैट इज शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी जो है वो आपका ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अनुदेशक एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी पर संसाधन साझा किए विद्यार्थियों को विषय आवंटित कर दिए गए उन्होंने सामग्री का अध्ययन करने के बाद इन्फोग्राफिक्स बनाए तो ये किसका प्रकार है तो उपयोगकर्ता जनित संसाधन मतलब जो उपयोग कर रहा है वही रिसोर्स का निर्माण भी कर रहा है दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इप्सिट का अर्थ क्या है इप्सिट देखिए आइडेंटिफाई प्रोवाइड सपोर्ट ये तीन चीजें हैं पहचाने प्रदान करें सहायता प्रदान करना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मिश्रित वातावरण में विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तो किस प्रकार का फीडबैक सबसे प्रभावी है तो तत्काल और रचनात्मक प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी हो जाती है ओई आर का पूर्ण स्वरूप क्या है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कि प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक को शिक्षार्थी के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना में उसके पूर्व प्रदर्शन करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए तो इप्सिटिव मूल्यांकन आपको करना चाहिए यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चलते अगले प्रश्न की ओर कहता है कि सीखने का निरीक्षण करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए रचनात्मक क्रिएटिव इवेलुएशन आपको करना चाहिए ना क्रिएटिव इवेल्युएशन आपको करना चाहिए अगर आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता लगाना है तो निम्नलिखित में से किसे प्रशिक्षक निर्मित सामग्री के रूप में नामित किया जा सकता है तो पावटून में शिक्षक द्वारा बनाया गया कार्टून ये आप शिक्षक प्रशिक्षक निर्मित सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सबसे प्रमाणिक उपकरण क्या है उपलब्धि परीक्षण सबसे प्रमाणिक आपका बन जाता है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कहता है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस योजना का समर्थन करती है तो एम ई एम ई का समर्थन करती है मूल्यांकन का कौन सा तरीका चिंतन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है तो सीखने के रूप में मूल्यांकन जो है वो आपका सही आंसर एकदम बन जाता है मिश्रित अधिगम आपने सामने और ऑनलाइन सीखने के अनुभव का एक विचारशील विलय है तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाता है अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक मैं आपको चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन अलग दिखे मुझसे सेकंड क्वेश्चन अलग दिखे मुझसे तब आप पूछेंगे कि मैम जब हमें अलग दिखेगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं गूगल फॉर्म ये है और गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन होता है दिस इज़ शफ़ल दैट मीन्स क्वेश्चन तो सेम होंगे पर वो ऊपर नीचे दिखेंगे मतलब हो सकता है कि मेरे में जो क्वेश्चन नंबर वन पे है वो आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हो जो आपका ट्वेंटी वन हो वो हो सकता है मेरा क्वेश्चन नंबर थर्टी हो तो कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस बाकी कैसे होंगे आपके बिल्कुल सेम होंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं बढ़ते हैं मिश्रित अधिगम के संदर्भ में फ्लिप्ड कक्षा क्या है एक दृष्टिकोण जहां छात्र से पहले ऑनलाइन नई सामग्री से सीखते हैं और कक्षा के दौरान गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो ये आपका हो गया मिश्रण मिश्रित अधिगम के संदर्भ में क्या सही है सही क्रम का चयन करें तो सही क्रम बन जाता है आपका बुनियादी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान का गहन अर्जन और ज्ञान का सृजन करना ठीक इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित शिक्षण परिवेश में एक सुविधाकर्ता की अपेक्षा की जाती है कि सुविधाकर्ता मतलब यहाँ पर आप अपने आप को समझिए यहाँ पर टीचर की बात चल रही है ठीक तो टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बोर्ड साधन संसाधन उपलब्ध कराए और ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड में गतिविधियाँ भी, भी संचालित करें हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को मिश्रित शिक्षा का उदाहरण माना जा सकता है तो शिक्षक तत्वों पर संसाधन अपलोड करता है कक्षा में समूह चर्चाओं खेलों को आयोजित करता है तो ये आपका एक और आंसर बन जाता है ये मेरा एक गलत हो गया अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप इसको टिक लगा सकते हैं व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए सबसे प्रमाणिक उपकरण क्या है मुझे लगा साक्षात्कार है पर अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक सीखने का उपकरण नहीं है गूगल स्कॉलर नहीं है ठीक है हाईफ्लेक्स अधिगम डैश और डैश अधिगम का एक योग है तो हाइब्रिड और लचीला अधिगम का एक योग है तो यहाँ के बाद हमारे जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं खत्म एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा टीचर्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पंद्रह घंटे का सर्टिफिकेट का दावा हंड्रेड परसेंट मैं आपको दिलाऊंगी सर्टिफिकेट आई विल मेक श्योर कि आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो कम से कम पंद्रह घंटे का सर्टिफिकेट जो है वो ले ही ले तो पाँच घंटे का ये हुआ इससे पहले जो ट्रेनिंग आई थी उसका भी मैं कुज़ आंसर्स करके मैंने वीडियो डाला हुआ था तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी उसकी भी डेट अभी बाकी है आप चाहें तो अभी भी उसको जनरेट कर सकते हैं ठीक है आपका ये हो गया इसके बाद जो एक और ट्रेनिंग अभी शुरुआत होने वाली अभी हुई नहीं है उसका भी जिसकी शुरुआत हो रही है गणित के ऊपर शिक्षण के ऊपर वो ट्रेनिंग है गणित के लिए ई कंटेंट का विकास उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फेबररी की तीनों ट्रेनिंग्स का अलग से भी मैंने वीडियो बनाया वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए आपका एक लाइक मुझे ढेर सारे सपोर्ट देता है और ये मोटिवेट करता है कि मैं आगे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ तो मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए बी हैप्पी राधे राधे जी